तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका मेरे इस YouTube चैनल पे। दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि ग्रीन स्क्रीन का सही तरीके से कैसे यूज करें। ग्रीन स्क्रीन का सही यूज क्या है, ग्रीन स्क्रीन के बारे में जानेंगे, पूरी तरह से जानेंगे, इसको सही से यूज कहाँ कैसे करते हैं, इसका ऑप्शन कहाँ पे शो करता है, इसको यूज करने से क्या फ़ायदे होते हैं और ये कब से यूज हो रहा है। लोग पागल हुए हैं इसके पीछे। जिसकी कम से कम फॉलोअर हैं वो ग्रीन स्क्रीन का यूज करके, रिमिक्स का यूज करके अपने ढेर सारे फॉलोअर बढ़ा रहा है। तो अगर आप अभी तक नहीं यूज़ कर रहे थे ग्रीन स्क्रीन, तो आप ग्रीन स्क्रीन एक बार यूज करके ट्राई ज़रूर करें। अगर आपको इससे कुछ बेनिफिट मिलता है, आपके सब्सक्राइबर बढ़ते हैं, तो इसका यूज़ आपको ज़रूर करना चाहिए। मैं भी ये आपको रिकमेंड करूँगा कि कुछ नया ज़रूर ट्राई करें, ताकि आपको पता चले कि आपके सब्सक्राइबर क्या चाह रहे हैं, आपका बेनिफिट किस में है, कौन किस तरीके से वीडियो बनाने में आपका व्यू ज़्यादा आता है। ये ज़रूर ट्राई करें दोस्तों, ट्राई करते रहें, ताकि एक वीडियो अगर आपका वायरल हो जाता है तो उस वीडियो से आप जो है वायरल हो जाएंगे, काफ़ी लोग आपको देखने लगेंगे, उसमें से जिसको आप पसंद आएंगे वो आपको सब्सक्राइब करेगा, फॉलोअर्स आपके बढ़ेंगे डेफिनेटली। तो ग्रीन स्क्रीन से ही क्यों, ये भी एक क्वेश्चन है, ग्रीन स्क्रीन ही क्यों। तो दोस्तों ग्रीन स्क्रीन से क्या होता है, किसी दूसरे की वीडियो रहती है, पहले मैं आपको प्रॉपर बता दूँ ग्रीन स्क्रीन के बारे में, तो उसके बाद इसको अपने मोबाइल पर भी दिखाऊँगा मैं आपको प्रॉपर तरीके से। ग्रीन स्क्रीन दोस्तों एक्चुअली रिमिक्स ऑप्शन में शो करता है ग्रीन स्क्रीन, और ग्रीन स्क्रीन करने से क्या रहता है, किसी की वीडियो 15 सेकंड 20 सेकंड की वीडियो रहती है, उसमें आपकी भी वीडियो चलेगी पीआईपी होने के बाद, यानी कि आपकी वीडियो छोटी सी रहेगी, आप उसको छोटा बड़ा कर सकते हैं, जो भी आकार आप सेट करें, छोटी सी वीडियो रहेगी, वो साइड में वीडियो चलती रहेगी। उससे क्या होगा, लोग वीडियो देखेंगे जिसका वीडियो आपने उठाया है, जिसकी वीडियो पर आप ग्रीन स्क्रीन कर रहे हैं, रिमिक कर रहे हैं, वीडियो पूरी उनकी शो करेगी, आपका छोटा सा फेस, छोटी सी फेस जो है वीडियो साइड में बन के आएगा। जो नए क्रिएटर हैं, जो अभी जिन्होंने अपना यूट्यूब चैनल शुरू किया, उनके लिए मैं कहना चाहूँगा, उनके लिए ये काफ़ी यूज है। जो जिनके सब्सक्राइबर ढेर सारे हैं, जिन्होंने सब्सक्राइबर अपने बढ़ा लिए हैं, उनके लिए मैं मुझे नहीं लगता कि ये ज़रूरी है उनके लिए या उनको करना चाहिए, क्योंकि उनकी फेस वैल्यू बन चुकी है, तो जो है वो अपने ही फेस वैल्यू पे काम करें, क्योंकि ये इसमें रहता क्या है कि दूसरे का फेस रहता है, आपका छोटा सा जो है वीडियो नीचे चलता रहेगा, तो लोग उनकी वीडियो समझ के देखेंगे। पहले भी मैं आपको क्लियर कर दूँ, उनकी वीडियो समझ के देखेंगे, क्योंकि वो बंदा वायरल रहेगा जिसकी वीडियो आप उठाओगे ग्रीन स्क्रीन करने के लिए, तो वो बंदा वायरल रहेगा, उसकी वीडियो देख के लोग लाइक करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे, शेयर भी करेंगे, जो सब्सक्रिप्शन मिलेगा वो आपको मिलेगा, लाइक्स आपको मिलेंगे, शेयर आपको मिलेंगे, वीडियो उनकी चलेगी, फेस वैल्यू उनकी रहेगी। फ़ायदा आपका केवल इतना ही इतना होने वाला है इसमें कि आपके सब्सक्राइबर बढ़ेंगे, वो आपकी वीडियो आगे जन के देखते या नहीं देखते वो आप पे डिपेंड करता है, आपके फेस वैल्यू पे डिपेंड करता है, और फेस वैल्यू किस तरह से आप बना पाते हैं वो आप पे डिपेंड करता है। तो चलिए मैं आपको ले चलता हूँ अपने मोबाइल की स्क्रीन पर और बताता हूँ इसको सही तरीके से कैसे यूज़ करते हैं, इसका ऑप्शन कहाँ पे शो करता है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं, आपको दिखाता हूँ ग्रीन स्क्रीन का सही तरीके से यूज़ कैसे करें। जो वीडियो आपको पसंद हो, सपोज देखिए ये ग्रीन स्क्रीन का यूज़ हुआ है, इस गेमिंग वाले वीडियो में ग्रीन स्क्रीन का यूज़ हुआ है, ये देखिए 24 लाख लाइक आ चुके हैं इस वीडियो पर, इस बंदे ने ग्रीन स्क्रीन का यूज़ किया, 24 लाख लाइक आ चुके हैं। मैं इसी पे आपको ग्रीन स्क्रीन का यूज़ करते दिखाता हूँ, कुछ करना नहीं है, आप इसके सब्सक्राइबर देख लीजिए, 1.75 करोड़, मतलब आप समझ सकते इतने सब्सक्राइबर हैं इसके, मैक्सिमम वीडियो इसने ग्रीन स्क्रीन करके बनाया है, जो ये वीडियो इसकी है उसी को मैं प्योर ग्रीन स्क्रीन यूज़ करके बताता हूँ। तो चलिए रिमिक्स पे क्लिक करते हैं, यहाँ पर यूज दिस साउंड कोलैब, इसने क्या किया है, कोलैब किया हुआ है लोगों से, मैं ग्रीन स्क्रीन का यूज़ करके बताता हूँ, ठीक है। आप देखेंगे 15 सेकंड की वीडियो, 15 सेकंड का ही कर लेते हैं, ज़्यादा लंबे वीडियो नहीं बनाते हैं, हालांकि इसकी वीडियो 53 सेकंड की है, हमको 15 सेकंड यूज करने का,
तो हम 15 सेकंड पे यहाँ पे डन कर देंगे, तो प्रोसेसिंग होगा। प्रोसेसिंग होने के बाद क्या होता है, ये वीडियो 15 सेकंड की डाउनलोड कर लेगा, ठीक है। अभी ये अनेबल बता रहा है, कुछ इसने लगाई हुई है रिस्ट्रिक्शन। तो चलिए इस वीडियो को करते हैं एक बार ट्राई, हम है ना ग्रीन स्क्रीन। 13 सेकंड की ये वीडियो है, ये भी डाउनलोड होने के लिए अभी जो है कुछ दिक्कत आ रही है इसमें, ये इनर थोड़ा हम चेक कर लेंगे ना कौन सी वीडियो डाउनलोड हो रही है। प्रोसेसिंग से रखे जो वीडियो डाउनलोड हो रही है, अभी देखिए इन लोगों ने कुछ देखिए यहाँ पे ये वीडियो डाउनलोड हो गई, प्रोसेसिंग हो रही है, डाउनलोड हो गई। मैक्सिमम क्या आता, मैक्सिमम वीडियो कैमरा कर देता हूँ मेरी तरफ जो फ्रंट कैमरा है, तो मेरी फ़ोटो अभी बड़ी आ रही है, इस बंदे की फ़ोटो छोटी आ रही है, इस बंदे ने कोलेक्ट किया हुआ है, तो आप इसको छोटा कर जा रहा हूँ, ठीक है, छोटा कर, छोटा सा जितना छोटा हो सके, ये दिखे ही ना, है ना यहाँ पे साइड। अभी देखिए मेरी वीडियो आपको नहीं दिख रही होगी, बहुत छोटी सी वीडियो दिख रही है, इस गेमिंग वाले बंदे की वीडियो दिख रही है कि इस, क्योंकि इसने कोलैब किया हुआ है ना। यहाँ से वीडियो हम रिकॉर्ड कर लेते हैं पूरी तरह से, जो भी 13 सेकंड 14 सेकंड की वीडियो है ये पूरी रिकॉर्ड हो जाएगी। इसने क्या दिया हुआ, अपना रिएक्शन दिया हुआ है, ओ भाई ये वो दुनिया भर का जो है आपने भी बना लिया, ये वीडियो आपकी पूरी बन चुकी, ठीक है। अब आप चेक के निशान पर क्लिक कर देंगे, साइन पे, ये वीडियो आपकी बन के तैयार है, ठीक है। अब आप नेक्स्ट कर देंगे जैसा आप रेगुलर करते हैं, नेक्स्ट करने के बाद आप वीडियो को अपलोड कर देंगे। और उसी की बात यह है कि आपको ये इस किस्म में जो भी हैशटैग लगाने होते हैं, इस बंदे की वीडियो में जो भी हैशटैग लगी होती, सारे हैशटैग आपको फ्री में मिल जाते हैं। तो आप ट्रेडिंग शॉर्ट कुछ भी करके आपको जो डालना हो जैसा रहे वैसा कर सकते हैं। देखिए फ्री फायर के बारे में बताया, फ्री फायर का हैशटैग फ्री में है यहाँ पे, फनी, ये जो भी सारे हैशटैग देखिए, मतलब 100 वर्ड के आप हैशटैग यूज कर सकते हैं, तो सारे हैशटैग्स जो भी आप यूज करना चाहें ना, यहाँ पे अपलोड शॉर्ट कर देंगे, ये वीडियो अपलोड हो जाएगी, वीडियो धीरे धीरे अपलोड हो रही है। ये वीडियो अपलोड हो जाने के बाद जो है आप अपने YT स्टूडियो में जाएंगे, क्योंकि आपने यहाँ पे अनलिस्ट करके वीडियो अपलोड किया है, तो आप अपने YT स्टूडियो में जाएंगे और उसके बाद वहाँ से जो आगे का प्रोसेस है आपको मालूम ही है, आप अनलिस्ट करके अपलोड कर रहे हैं, तो थोड़ी देर बाद आप जब टाइटल डिस्क्रिप्शन वगैरह पूरी तरह से लगा लें, अगर कुछ लगाना है तो, उसके बाद वहाँ से आप शॉर्ट को जो है पब्लिश कर सकते हैं। तो कैसी रही ये वीडियो आप कमेंट करके ज़रूर बताना, यही बल। तो दोस्तों कैसा रहा वीडियो, उम्मीद करता हूँ वीडियो में पूरी तरह से मैंने आपको समझा दिया है और आप समझ भी गए होंगे कि ग्रीन स्क्रीन का यूज़ करके आप अधिक से अधिक सब्सक्राइबर बढ़ा सकते हैं, अपने वीडियो का व्यू बढ़ा सकते हैं। इसमें बीच बीच में आप अगर बोलेंगे तो भी आपकी भी वॉइस जाएगी और लोगों को भी पता चलेगा कि हाँ इस बंदे ने ग्रीन स्क्रीन किया है। तो जो सब्सक्राइबर रहेंगे मुझे, मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि अपनी वीडियो अपनी फ़ोटो थोड़ी बड़ी करके रखें, उसमें जो वीडियो है PIP थोड़ी बड़ी करके रखें ताकि लोग आपको भी देखें, और उसमें आप जो है अपना कमेंट करें इसमें कैसा लग रहा है वीडियो आपका, ऐसा ऐसा कुछ कमेंट करके बताएं लोगों को इस बारे में कि ये वीडियो जो है आप देखो इसमें कैसा व्यू आ रहा है, ऐसा ऐसा, ताकि आपका भी जो है आवाज़ लोगों तक जाए, आपकी फेस वैल्यू भी क्रिएट हो, ताकि धीरे धीरे चल के जो सब्सक्राइबर आपके हैं वो आप पे पूरी तरह से मूव हो जाए, आपकी फेस वैल्यू उनको अच्छे लगे, आपका फेस वो आपके सब्सक्राइबर आपके ही रहें और जो है आपकी वीडियो आगे चल के वो पसंद करें, देखें अच्छे से देखें। तो उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। मिलते हैं इसी तरह की टेक्निकल वीडियो के लिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके रखें और बेल आइकन दबाना ना भूलें, अपने दोस्तों में वीडियो जरूर शेयर करें। तब तक ले दीजिए मुझे इजाज़त, नमस्कार।